नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। टो मार्केट, इसमें कुछ नए अपडेट्स आ गए हैं और वो भी आपको अर्जेंट में करने पड़ेंगे, क्योंकि नहीं करेंगे तो मे भी आपको जो है एयर ड्रॉप जो इसका कल स्नैपशॉट होना है उसके बाद वो शायद रिसीव ना हो। तो वो कौन से अपडेट हैं जो आपको करना बहुत जरूरी है? वैसे तो मैंने देखिए आपको इस पर एक डिटेल वीडियो आपको सुबह ही बना के दिया है इस पर, लेकिन अब और भी अपडेट आ चुके हैं तो वो भी इसमें आपको करने पड़ेंगे। और आपके कुछ सवाल हैं उन पे आज चर्चा करेंगे। बाकी मार्केट जो है अभी $57,800 पर BTC चल रहा है। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन लेटेस्ट अपडेट के लिए देखिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना बहुत ही जरूरी है। आप सारे के सारे अपडेट जो है पहले ही टेलीग्राम पर आपको दे दिए जाते हैं। तो देखिए वीडियो तो जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन अपडेट आपको जो है पहले ही टेलीग्राम और ट्विटर दोनों पर मिल जाते हैं, तो उनको जरूर ज्वाइन करें। दोनों का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। पहले तो टो मार्केट जो कल स्नैपशॉट होना है, आज 1 तारीख है और 2 तारीख को ये स्नैपशॉट लेंगे। तो ये स्नैपशॉट जो आपका कल होना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखिए अब जो नया लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि आपको जो भी आपने बिटगेट वॉलेट अटैच किया है, बिटगेट वॉलेट मैंने आपको सुबह ही वीडियो में बताया कहाँ से कैसे आपको अटैच करना है अपने टो मार्केट ऐप के साथ। जिसने नहीं देखा वो सुबह वाला वीडियो आप देख सकते हैं अर्नमित रोहितास चैनल पर। अब यहां पर आप जो बिटगेट वॉलेट आपने लगाया वहां पर कम से कम देखिए मिनिमम $1 तो होना ही चाहिए। अब $1 वैल्यू को आपका कोई सा भी एक असेट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई स्पेसिफिक कोई एक टोकन होना चाहिए। आप नॉट कॉइन रख सकते हो, डॉग्स भी रख सकते हो और आपका टोन कॉइन भी रख सकते हो, कोई भी आप $1 से ज्यादा की वैल्यू को वहां पर रख लीजिए। यानी अगर उन्होंने $1 बोला है तो आप $1.2 का रख लीजिए, $1.3 का या $2 का रख लीजिए, वैल्यू टोटल आपके वॉलेट पे ऊपर $1 से ज्यादा वहां नजर आनी चाहिए। शायद इसलिए कि इन्होंने ये देखा कि भाई ऐसा ना हो कि कुछ फर्जी लोग जो है यहां पर आ जाएं, क्योंकि आप वॉलेट का कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसे ये होगा कि हाँ ठीक है इस वॉलेट में इन्होंने कुछ किया है, कोई ट्रांजेक्शन किया है। और कल एक ये भी हो सकता है कि भाई बिट गेट वाले भी चाहते हो भाई हमारे वॉलेट का यूज हो। देखिए सबके अपने अपने हित हैं, सब अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। तो आपको कहीं से भी कैसे भी बिटगेट वॉलेट जो आपने अटैच किया है उसमें $1 से ज्यादा का कोई भी फंड, बेशक आप USDT डाल दो उसमें, लेकिन $1 से ज्यादा वहां पर आपका पूरा वैल्यू शो होनी चाहिए। तो यहां जो सवाल था वो सबसे ज्यादा यही था कि सर कौन सा टोकन वहां पर रखना है। तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आप टोन रखें तो ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं देखिए टोन पे ही आ रहे हैं ज्यादातर, और जब आप ट्रांसफर करेंगे तो आपको टोन में ही कहीं ना कहीं गैस फीस भी लगेगी। तो बेहतर है कि कुछ और रखने से अच्छा है कि आप टोन कहीं से ट्रांसफर करके यहां पे आप रख लीजिए $1 से ज्यादा का। अब रखने को मैंने आपसे पहले ही कह दिया आप कोई सा भी टोन असेट रख सकते हो, BTC रख लो, इथेरियम रख लो, USDT रख लो, कुछ भी रख लो, आपकी मर्जी है। लेकिन मेरी प्रेफरेंस रहेगी तो टोन की रहेगी, क्योंकि आगे तक काम आएगा, क्योंकि कहीं गैस फीस की जरूरत पड़ेगी तो भाई ठीक है टोन हमारे पास ऑलरेडी पहले से वॉलेट पर होगा। इसलिए तो कहीं से भी आज ये जरूर कर लीजिएगा। और एक आपको 10,000 टमाटर और मिल जाएंगे, यानी कि टो मार्केट वाले, ये आपको आपका जो यूजर ID है यानी कि टेलीग्राम का वहां पर ये लोगो लगा दीजिए, यानी कि टमाटर वाला, ठीक है, तो आपको 10,000 टमाटर और मिल जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखिए जिनके पास कोई रेफरल सिस्टम नहीं होता उनके लिए एक फायदे का सौदा है कि उनको 10,000 टमाटो और मिल जाएंगे। बाकी भाई कल का इंतजार कीजिए, बस इसमें अभी फिलहाल इतना ही अपडेट है, इससे ज्यादा और अपडेट है कि नहीं। अगर कोई भी अपडेट और मान लीजिए आता है तो आपको तुरंत जो है हम अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करेंगे। ये भी चीज हम पहले ही आपको टेलीग्राम पर दे चुके हैं, तो जिन्होंने देख लिया होगा टेलीग्राम पर तो वो ऑलरेडी अपने आप अपडेट कर चुके हैं। लेकिन अगर जिन्होंने नहीं किया तो मेरे भाई अब वीडियो को देखने के बाद जो है इसको अपडेट कर लीजिए। दूसरा आपके जो भी फ्रेंड हैं भाई वहां तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए, जैसे कि वो भी भाई देखिए मेहनत की है, उनका भी रहना नहीं चाहिए, सबको एयर ड्रॉप मिलना चाहिए, चाहे ज्यादा मिले या कम मिले वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो आपने जितनी मेहनत की है वो आपको मिलना तो चाहिए। और वो इसलिए रह जाए कि हमने एक कमी छोड़ दी तो भाई कमी भी किसी की नहीं रहनी चाहिए। तो आप ये काम जरूर कर लें जिससे कि आपका कोई दिक्कत ना हो एयर ड्रॉप मिलने। अब अगला क्वेश्चन है OGC। OGC को लेकर बहुत सारे सवाल आए, सर हमारा OGC ओपन नहीं हो रहा, हमारा OGC ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मेरे भाई आपका नहीं, सभी का नहीं हो रहा, सबका ऑफ, यानी कि कहीं ना कहीं मेंटेनेंस में चला गया। अब मेंटेनेंस में भी क्या गया है, एक तरह से ये अपना अपडेट कर रहे हैं अपने ऐप को। क्यों? क्योंकि इनकी भी माइनिंग क्लोज हो चुकी है और आपने 31 तारीख का पहले से आप देख रहे हैं, क्योंकि ये अपडेट मैं आपको ट्विटर पर ऑलरेडी पहले दे चुका हूं। तो इतनी बड़ी न्यूज थी नहीं कि मैं आपको जो है कहीं इसके लिए वीडियो में
स्पेशल बनाता है इसके लिए, तो उसको मैं अपडेट पहले ही आपको ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, दोनों जगह इसका अपडेट पहले ही दे चुका हूं। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि आप जो है ट्विटर टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कई बार बहुत बड़ा मैटर नहीं होता जिसके लिए हम वीडियो बनाए। तो ये था कि भाई 31 तारीख को इनकी भी माइनिंग खत्म हो रही है, तो देखा जाए तो दो माइनिंग आपकी एंड हो गई, यानी कि टोमेटो की हो गई आपकी। हाँ, सीलिया भी, वो मैंने आपको कल ही कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जिनकी माइनिंग ऑलरेडी एंड हो रही है, तो उसी में एक नाम आपका ओजीसी का भी जुड़ गया है, इनकी भी माइनिंग जो है एंड हो चुकी है। अब उसमें क्या अपडेट आता है इनका जो ऐप है, तो उसका देखते हैं। उस ऐप में जो भी अपडेट आएगा वो उसके बाद बताएंगे कि आखिर उसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी और जो भी टास्क थे वो हम ऑलरेडी उसमें पहले ही कर चुके थे, तो अब तो केवल ये है कि भाई देखते हैं उसे क्या अपडेट करके आते हैं और कब तक ये हमारा जो है लिस्टिंग की एक तरह से गुड न्यूज देते हैं, तो अभी उसका वेट करना पड़ेगा। तो भाई इसमें टेंशन मत लो कि जो हमारा ओपन नहीं हो रहा, किसी का भी नहीं हो रहा है, एक तरह से ओजीसी की माइनिंग एंड हो चुकी है। दूसरी यही प्रॉब्लम देखिए टो मार्केट में भी आ रही है, क्योंकि इतना ज्यादा उस पर लोड आ गया है कि वो ऐप अचानक से नहीं खुल रहा है। आपने बस टच किया और खुल जाए जैसे पहले होता था, तो वो अभी नहीं होगा। आप उसको ओपन कीजिए, थोड़ी देर वेट कीजिए, हो सकता है आपको जो है 1 मिनट 2 मिनट वेट करना पड़ जाए, तो वेट कीजिए, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली अपने आप ओपन हो जाएगा। ऐसा मत कीजिए आपने ओपन किया फिर निकल के बाहर आ गए फिर ओपन किया, ऐसे नहीं, थोड़ा सा उसको टाइम दीजिए, क्योंकि लोड की वजह से बफरिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो आप 1-1 मिनट तक का आपको इंतजार करना पड़ सकता है, तो आप कीजिए, ओपन जरूर होगा, टास्क जरूर कर लीजिए। बाकी देखिए हेमेस्टर में तो आप देख ही रहे हैं, हेमेस्टर में तो कुछ नया है नहीं, अब तो फिलहाल वही है कि उनकी एक्सचेंजों की लिस्ट के इंतजार में हैं कि कौन कौन से और एक्सचेंज आते हैं। दूसरा ये इस चीज़ का रिवील करें कि भाई इनके लिए कौन सी चीज़ स्टेप बाय स्टेप इंपॉर्टेंट है, यानी प्रॉफिट पर आवर या कॉइन बैलेंस या कीज क्या इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ किस नंबर पर रखते हैं, तो उसका इंतजार कर ये चीज़ भी जल्दी से लेके आ जाए। तो आप भी उसी का इंतजार कीजिए, बाकी इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, जो रोज़ के अपने टास्क हैं वो जरूर करते रहिए। मार्केट मेरे भाई अभी 57,900 पर था और अभी थोड़ा सा फिर से जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 58,100 के आसपास आ गया है। मार्केट कुल मिला के यहीं इसी रेंज पर बैठा हुआ है कब से, मैं आपको डेट बता देता हूँ, ये आपका ये मान लीजिए 28 तारीख से बस इसी रेंज पर बैठा हुआ है। कब तक बैठेगा भाई ये डिपेंड करता है कि ऊपर वाले क्या चाहते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अभी मार्केट में कुछ ज़्यादा करने लायक है नहीं, इसी वजह से आप देख रहे हैं कि लोग ज़्यादातर माइनिंग प्रोजेक्ट्स का भी जो है ध्यान दे रहे हैं और माइनिंग प्रोजेक्ट पर ही वीडियो बना रहे हैं। क्या करें भाई, जो चीज़ चल रही है मार्केट में उसी पे बोला जाएगा। फिलहाल मार्केट में ऐसा कुछ ज़्यादा धूमधड़ाका हो नहीं रहा, तो क्या मार्केट के बारे में बताएं, क्योंकि मार्केट मैंने आपको बताया ना कि कितने दिनों से एक ही जगह पर बैठा हुआ, भाई 57,58,59 एक यही रेंज पर पकड़ के बैठा हुआ है। जो कुछ थोड़ा बहुत पंप डंप होता भी है तो वो बड़े लोग अपना कमाने के हिसाब से कर लेते हैं। तो हमारा वजीर एक्स की, तो वजीर एक्स में भी मेरे भाई ज़्यादा कुछ करने के लिए अपने पास नहीं है, क्योंकि जो कुछ करना है वो निश्चल सेटी को करना। और कल मैंने एक चीज़ बड़ी वो कहता बहुत अच्छा नहीं लगा, इतने बड़े बड़े लोग सवाल कर रहे हैं निश्चल सेटी से, उनका रिप्लाई नहीं दे रहा, उनको सीधा ब्लॉक कर रहा है, और बहुत ही छोटे लोग जो उनके गुणगान कर रहे हैं निश्चल सेटी की, जो तारीफ कर रहे हैं उनको वो रिप्लाई दे रहा है, यानी कि उसको वही लोग अब चाहिए जो उसकी तारीफ करें। बस उनसे आप सवाल मत पूछो, उनसे आप ये मत पूछो कि भाई पैसा कैसे दे रहे हो, कब दे रहे हो, भाई हमारा पैसा जल्दी दे दो, ये चीज़ें निश्चल से बिल्कुल मत पूछो। तो ऐसे लोग जो पूछ रहे हैं उनको ब्लॉक कर रहा है। तो मेरे भाई अब तो बस वही है कि वो जो करेगा वो सामने होगा और वही चीज़ हमें मिलेगी। मैंने तो आपसे कल भी कहा, परसों भी कहा डिटेल वीडियो में कि भाई जो मिल जाए छोड़ना मत, ले लेना, क्योंकि अब यहाँ भरोसा कुछ नहीं है। दूसरा एक एडवाइस और आपको दी थी कि Pi42 भी इसी का एक्सचेंज है, ध्यान रखिएगा कभी ऐसा हो कि आप कुएं से निकल के और खाई में गिर जाओ, ऐसा नहीं करना। क्योंकि वजीर एक्स से निकल के पता चलेगा आप ठीक है जी Pi42 यूज कर लेते हैं, वो भी निश्चल सेटी का ही है, तो Pi42 को भी नेगलेक्ट करके चलिए और बहुत एक्सचेंज है, किसी को भी यूज कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मेरी तो यही एडवाइस है, बाकी आपको समझदार है, जैसा ठीक लगे वैसा कर सकते हैं, लेकिन एक्सचेंज पर भाई पैसा उतना ही रखो जितना आप खो सकते हो। अब तो ये कंडीशन भी यहाँ लागू हो गई है, क्योंकि किसी का भरोसा ही नहीं, केवल आप अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करके रखिए बहुत सारे एक्सचेंजों पर, जिससे कि आपका भी प्रॉफिट हो तो भी अच्छा हो और लॉस हो तो कम से कम, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो फिर मिलते हैं, नमस्कार।